2 दिन पहले जिस तरह से चीता कैंप में एक कम्युनल माहौल क्रिएट हुआ और एक फेसबुक पर एक पोस्ट की गई कि जिस तरह उसने एक मुसलमान मजहब के खिलाफ कोई फोटो बनाकर उसने फेसबुक पे पोस्ट की, जिसके खिलाफ वो लोग एकदम भड़क उठे और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियां जलाई जलाई। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो मुंबई में बांद्रा में आईटी साइबर क्राइम के लिए एक अलग से पुलिस स्टेशन बना हुआ है, उस पुलिस स्टेशन में जाएं और अपनी अपनी जो उनकी शिकायत दर्ज कराएं, ना कि ये रास्ता अपनाएं कि पुलिस की गाड़ियां जलाएं, पुलिस पर इस तरह के दबाव। कानून भी अपने तरीके से काम करता है, कानून की भी कुछ मजबूरियां हैं, कानून में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो जज है, पुलिस जज है कि पकड़ते के साथ उसको सजा सुना दे। सजा सुनाने के लिए अलग कोर्ट बने हुए हैं और आप जिस तरह से वहां के एमआईएम के कॉरपोरेटर ने जिस तरह से सुनने में आया है कि जिस तरह से भीड़ को ललकारा और भीड़ को कहा कि इस तरह से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, जानने में ये भी आया है कि जब भीड़ ने उस पर हमला पुलिस स्टेशन पर हमला किया उस वक्त उस आरोपी को पुलिस स्टेशन के हद में ही था, पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर एफआईआर ले चुकी थी। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आजकल देखने में आता है, अगर कोई मुसलमान के खिलाफ पोस्ट होती है तो लोग कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाओ और इस जब तक बढ़ाते रहो जब तक कमीना पकड़ा ना जाए। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और उन लोगों को एकदम से बताना चाहता हूं कि आपके उसको वायरल करने से वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाने के लिए आपको साइबर क्राइम में आना पड़ेगा, उसके खिलाफ एफआईआर लिखानी पड़ेगी तो पकड़ा जाएगा। वायरल करने से यही होता है कि एक दूसरे मजहब के खिलाफ लोगों में जहर पैदा होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो अल्लाह का एहसान है कि मुंबई में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कम्युनल मतलब माहौल खराब नहीं हुआ, वरना और भी पार्टियां हैं जो कम्युनल माहौल खराब करके हिंदू मुसलमानों को बांट कर वोट सियासत करना चाहती हैं, वोट लेना चाहती हैं। तो उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया और मुंबई पुलिस ने भी बेहतर एक्शन लेके इस मामले के ऊपर कार्रवाई की है और इसमें 17 बेचारे जो बच्चे पकड़े गए हैं उसमें बहुत से बच्चे का एसएससी का एचएससी का एग्जाम चल रहा था और वो भी एग्जाम देने से महरूम रहे। बहुत जो दफाएं लगाई गई 307 और कम्युनल राइट्स की दफाएं लगाई गई है उसमें बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। और मैं प्रशासन और पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि बच्चों पर रहम की नजर रखते हुए जल्द से जल्द बच्चों के रिहाई के असबाब बनाए। कोई बच्चे क्रिमिनल नहीं है मगर जिस तरह से कोई आज जज्बात में भड़क कर इस तरह का एक्शन ले लेता है उसमें बहक गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बच्चे इस तरह कोई हरकत ना करें और पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में लोगों को बांटकर अपनी हुकूमत करना चाहती है वो भी बाद आ जाए, वरना हिंदुस्तान का कानून सख्त है, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून पूरा काम करेगा। जय हिंद। भी इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं जिसमें हमने देखिए साइबर क्राइम में कंप्लेन की और कोशिश की है कि उन आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए और पुलिस ने भी हमारा भरपूर साथ दिया और ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं उन सबको अरेस्ट भी किया है, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और आगे भी इस तरह चलते रहेंगे। आप ईमेल पे भी इस तरह के कंप्लेंट्स कर सकते हैं और आप देखिए पुलिस किस तरह से उस पर कार्रवाई करती है। और यहां से नहीं, हम लोग ने प्रतापगढ़ से भी आरोपियों को अरेस्ट कराया है और आपको पुलिस का सहयोग करना होगा और अपनी बात को एकदम कानूनी तौर पर रखनी होगी, उसी से हमारा भला हो सकता है, उसी से हम इस तरह के मामला से बच सकते हैं।